सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, एक नज़र मारदे हां हुण तक दी खास सुरखियां ते। सिद्धरमैया दे सिर उत्ते सजेगा करनाटक दा ताज अते शिव कुमार होणगे उप मुख्यमंत्री। कांग्रेस प्रधान खड़गे, सोनिया गांधी समेत तमाम सीनियर आगुआं दी बैठक विच बनी सहमति। 20 मई नूं होवेगा सहु चुक समागम। हिमाचल सरकार वालों सिख्या विभाग में भर्ती का ऐलान। अध्यापकों के 5291 अहुदे भरे जाएंगे। मैडिकल अफसर दी 28 असामियां भरन का भी कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पुलिस के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन IB 144 नवे नियुक्त मुंडे कुड़ियों ने नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा पंजाब सरकार नौजवानों नियुक्तियां देने लिए वचनबद्ध। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कांग्रेस ने कई अटकलों उत्ते रोक लगाउंदिया अपने सीनियर नेता सिद्धरमैया नूं करनाटक दा नवां मुख्यमंत्री अते पार्टी दे प्रदेश प्रधान DK शिव कुमार नूं उप मुख्यमंत्री बनाउण दा ऐलान कीता। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ते सीनियर नेतावां सोनिया गांधी, राहुल गांधी अते प्रियंका गांधी अते साबका मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अते श्री शिव कुमार नाल कई घंटियां दे विचार वटांदरे तों बाद पार्टी ने आखिरकार इह ऐलान कीता। कांग्रेस के जनरल सकत्र ते संगठन इंचार्ज KC वेणुगोपाल ने पार्टी हैडक्वार्टर विच एक पत्रकार सम्मेलन नूं संबोधन किया। इस मौके उन्हें कहा कि कांग्रेस प्रधान ने व्यापक विचार वटांदरे तों बाद फैसला किया है कि सिद्धरमैया करनाटक के नवे मुख्यमंत्री होणगे अते DK शिव कुमार इकलौते उप मुख्यमंत्री होणगे। उन्होंने दस्सिया कि सहु चुक समारोह 20 मई नूं होवेगा। वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अते उप मुख्यमंत्री नाल मंत्रियों का एक समूह भी सहु चुकेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की प्रधानगी सूबा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सिख्या विभाग में सिखलाई प्राप्त ग्रैजुएट अध्यापक होर श्रेणियों के 5291 खाली अहुदे भरन का फैसला किया गया। यह कदम विद्यार्थियों लिए म्यारी सिख्या यकीनी बनाने और अध्यापन अमले की कमी निजटने लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। कैबिनेट ने डेंटल हैल्थ सर्विस विभाग में मैडिकल अफसर डेंटल दियां 28 असामियां भरन का फैसला किया। कैबिनेट ने बच्चों को म्यारी सिक्ख्या प्रदान करवाने सूबे के हरेक विधानसभा हल्के राजीव गांधी सरकारी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का भी फैसला किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों चंडीगढ़ म्यूनसीपल भवन में पंजाब पुलिस के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 144 नवे नियुक्त मुंडे कुड़ियों ने नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस मौके संबोधन करदिया मुख्यमंत्री मान ने इन्हां नवनियुक्त मुंडे कुड़ियों को वधाई दी। उन्होंने कहा कि पहली बार हो रहा है कि पुलिस में सिविल भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री मान ने इस मौके पंजाब पुलिस लई कई वड्डे ऐलान किए। उन्हें कहा कि पंजाब पुलिस का अपडेट रहना अज के जमाने की मंग है, क्योंकि जेकर यह अपडेट नहीं होगी तो शरारती अंसरां नाल मुकाबला किवें करेगी। उन्हें कहा कि बीते दिन पंजाब पुलिस वालों बिना किसी खून खराबे के वड्डे ऑपरेशन किए गए और इस दे पिछे एक वड्डी टीम है। इसलिए सब नूं हमेशा टीम वांग ही काम करना पवेगा, क्योंकि हमेशा टीम ही जद्दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुण तक साडी सरकार वालों 29273 नियुक्ति पत्र वंडे जा चुके ने। सो अज जिहड़े 144 तुसीं नवें आए हो, तुहाडा काम पर्दे दे पिछे दा कि फोरेंसिक लैब दे विच बहुत सारियां अजकल टैक्नीक्स आ गईयां दोषी नूं लभण दीयां। तो फोरेंसिक बहुत एक जरूरी पार्ट बन गया। जो फोरेंसिक सबूत ने वो कोर्ट के बहुत वड्डे सबूत के तौर पर मन्ने जाते हैं। सो जे पुलिस नूं सपोर्ट मिले कि साढ़े कोले अपडेटेड न्यूली अपॉइंटेड और सब तो लेटेस्ट पढ़ाई करके साढ़े कोले फोरेंसिक ऑफिसर्स ने, लैब टेक्नीशियंस ने, तो फिर पंजाब पुलिस की एफिशिएंसी होर बढ़ेगी। पिछले दिनों मंच पर बैठे है जिहड़े ऑफिसर साहबान, काफ़ी पिछले दिनों दे विच पंजाब पुलिस नूं दो तीन वड्डे ऑपरेशन करने पए, तो कामयाब तरीके नाल होए ने। और मैं बधाई भी दिना उहदे विच सारे जिन्ने भी ऑफिसर इनवॉल्व सी, और किसी नूं कोई मतलब इस गल की बड़ी तारीफ हो रही है कि बिना किसी
रोड़ा चले, कोई कंकर नहीं चलिया, कोई करफ्यू नहीं लग्या, कोई जबरदस्ती किसी दुकाना नहीं बंद कराइया, तो कामयाब ऑपरेशन हो गया। वो पिछे बहुत वड्डी टीम है एक, सो असी एनालिसिस किया जो जो जिथे जिथे असी बहुत अच्छा किया उस गल नूं असी होर ज़्यादा मजबूत करांगे, जिथे जिथे सानूं होर अच्छा कर सकते सी उन्हूं असी अपडेट करांगे, क्योंकि अजकल जिहड़े कोर्ट्स दे विच हर कोई बंदा कोर्ट दे विच जांदा है, गां कोर्ट वल्लों जिहड़ा अकाउंटेबल बनाया जांदा जदों तां जवाब देना पैंदा, 7,000 पन्नियां दे 6,000 पेजिस दे 5,000 पेज का चलान ही हो गए, हूँ 5,000 पेज का चलान पेश करने टाइम समा चाहिए, अग्यों पब्लिक जी कहें टाइम बाउंड करो छेती करो, तो कोई इदा छेती कर दिए तो फिर वो अगे जाके फिर कोर्ट च नहीं टिकते। सो मैं मुख्यमंत्री के तौर पर स्टेट के हैड के तौर पर मैं पंजाब पुलिस सारे अफिसर साहबान सारे उन्होंने कॉन्सटेबल तो लैके संतरी तो लैके मुंशी तो लैके जिन्हें भी ऑफिसर साहबान ने सारे मैं इस गल की बधाई दिना कि वो एक टीम बना के चलते हैं और टीम जितनी होंगी है, इंडिविजुअल गेम जो आ जाती है तो फिर उहदे नाल टीम हार सकती है। आम आदमी पार्टी के बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने जलंधर में हुई कैबिनेट बैठक में लेकर सरकार की तारीफ की, उन्हें कहा कि पंजाब सरकार तुहाडे द्वार तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वख-वख जिले में कैबिनेट दीआं बैठकां कर रही है। उन्हें कहा कि जलंधर के विकास कार्यों उत्ते 95 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे और जलंधर नूं नमूने का शहर बनाया जाएगा। भविख च पंजाब दीआं जिहड़ीआं चुनौतियां, पंजाब का भविख है, पंजाब का फ्यूचर है, उन्हूं बेहतर किस तरह बनाउणा है, इहदे वास्ते सरकार तुहाडे द्वार इस मुहिम के तहत पंजाब के लोगों दीआं कुंडियां खड़का के अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रही। और पिछले कल माणयोग मुख्यमंत्री जी की अगवाई वाली सारी कैबिनेट ने जिस जलंधर च पिछले महीने लगातार असी लोगों दीआं कुंडियां खड़काईयां लोग सभा दीआं वोटां वास्ते, कल सरकार ने जलंधर वासियां दीआं कुंडियां खड़का के उन्हां दे मसलियां नूं हल करन दी शुरुआत कीती है। और उस कड़ी च कल 95 करोड़ तो उपर दी ग्रांट जलंधर शहर नूं खूबसूरत बनाउण वास्ते, सीवरेज तो लैके नलियां गलियां कई धार्मिक जिहड़े साडे प्लेसिस सीगे जिहड़े पिछले दिनां च आई सामने तस्वीरां किस तरीके नाल कई कई महीनों तो सफाइया नहीं हो रही, सालों तो ही 6 साल तो अड़िया होया आदमपुर का रोड प्रोजैक्ट कल मुख्यमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की, नींह पत्थर रख्या। मान साहब ने कल एक बार फिर इस गल का भरोसा दवाया पंजाबियों जलंधर च बैठ के कि आने वाले टाइम च जलंधर जिहड़ा आ एक इट विल बी ए मॉडल फॉर होल पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सबका मंत्री सतेंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली पटीशन से इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को नोटिस जारी किया है। अदालत ने जैन को अपनी पटीशन के नाल ही सिखरली अदालत के छुट्टियां वाले बेंच में जाने की आजादी भी दी है, जिसने उस विरुद्ध मनी लॉन्डरिंग केस में उसकी जमानत पटीशन खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म को चुनौती दी थी। पंजाब कांग्रेस के आगू नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में कटौती को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पंजाब सरकार वालों खुफिया एजेंसियों और इंटैलीजेंस ब्यूरो ने अदालत में सीलबंद रिपोर्ट पेश की है। हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट वेखण तो बाद इस मामले की सुनवाई आने वाले सोमवार को की जाएगी। दस दिए कि बीते दिन हुई सुनवाई में पंजाब सरकार स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी सी, क्योंकि उन्होंने इसके पिछे इसका कारण केंद्रीय एजेंसियों वालों जवाब ना आना दस्या सी। इस तो बाद हाई कोर्ट ने सूबा सरकार को 18 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने के हुक्म दिए सन। जिक्रयोग है कि कुछ दिन पहला नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पटीशन में अपनी जान को खतरे का हवाला देंदे सुरक्षा बढ़ाने की मांग की सी। अज तड़कसार इनकम टैक्स विभाग की उच्च पद्धरी टीम वालों उत्तरी भारत की सब तो वड्डी शराब फैक्टरी मालबरोज
फैक्ट्री के सीईओ पवन कुमार बंसल की फिरोजपुर स्थित मॉडल टाउन रिहायश उत्ते छापेमारी की गई। पता लगे कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी शराब फैक्ट्री नाल संबंधित दस्तावेजों की कई घंटे पड़ताल करते रहे अते अधिकारी ने उनकी रिहायश के कोने कोने की छानबीन की है। पुलिस जिला बटाला नेड़े विधानसभा हलका श्री हरगोबिंदपुर नज़दीक पिंड चीमा खुडी में एकत्र हुए सैकड़ों की तादाद में किसानों और बीबिया वालों पंजाब सरकार सिविल और पुलिस प्रशासन विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की गई। इस मौके किसानों ने बीते कल प्रशासन वालों दिल्ली कटड़ा एक्सप्रैस हाईवे अधीन आने वाली जमीन उत्ते पाई गई वटा पुलिस की हाजिरी में ट्रैक्टर नाल ढा दित्तियां। इस मौके किसानों ने कहा कि जब तक उन्होंने बनता मुआवजा नहीं मिलता तद तक उन्होंने संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली जम्मू कटड़ा एक्सप्रैस हाईवे प्रोजेक्ट तहत एक्वायर की गई जमीन का कब्जा लैण लई नैशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों वालों प्रशासन और पुलिस की मदद नाल की गई कार्रवाई का किसानों वालों भारी विरोध किया गया। इस कार्रवाई दौरान कई थावां उत्ते पुलिस और किसानों में झड़पां हुईयां। सोशल मीडिया उत्ते वायरल हो रही एक वीडियो में एक पुलिस मुलाजम ने एक औरत नूं थप्पड़ मार दिता। पुलिस ने इस कार्रवाई का विरोध कर रहे किसानों के नाल औरतां भी प्रदर्शन कर रही सन, जिस दौरान एक पुलिस मुलाजम ने एक औरत नूं थप्पड़ मारिया तो उसका साथी उस पुलिस मुलाजम नूं जिहा करन तों रोकदा नजर आया। वायरल हुई वीडियो नाल लोगों के मन अंदर पुलिस वालों की गई कार्रवाई प्रति काफ़ी रोस पाया जा रहा है। इस कार्रवाई दौरान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी बाबा फौजा सिंह के प्रधान हरविंदर सिंह मसाणी की दस्तार भी लै जाने की वीडियो वायरल हुई है। दस्तार की बेअदबी लैके किसान आगुओं ने गुरदासपुर पुलिस की कार्रवाई में अत निंदनयोग करार दिता है। उधर पुलिस मुलाजम वालों औरत के थप्पड़ मारन और किसान आगू की पग की हुई बेअदबी के मामले की वीडियो वायरल होने के मामले में एस पी बटाला गुरप्रीत सिंह ने कहा कि औरत के थप्पड़ मारन के मामले उत्ते संबंधित पुलिस मुलाजम को लाइन हाजिर कर दिया गया है, बाकी तफ्तीश की जा रही है। कल श्री हरगोबिंदपुर एरिया दे विच नैशनल हाईवे अथॉरिटी ते सिविल प्रशासन दे वल्लों जम्मू कटड़ा एक्सप्रैस हाईवे की जमीन नू एक्वायर करन तो ते निर्माण कार्य करन दे लई जिहड़ा काम शुरू किया गया सी उस दे विच पुलिस प्रशासन दे वल्लों मदद दे लई एग्जैक्टिव मिनिस्टर दी हाजरी विच पहुँचे सी। इसे दे चलदिआं काम दे चलदिआं कुछ किसान अते किसान जथेबंदियां दे वल्लों उत्थे आ के चल रहे काम दे विच विघन पाया गया। इस दे विच इन्हां ने कुछ एक शरारती किसानां ने साडे पुलिस कर्मचारियों के उत्ते ट्रैक्टर चला के उपर चढ़ाउण दी भी कोशिश की गई, जिस दी असीं तुहानूं वीडियो भी दे रहे हैं। इस तरह तुसीं जिहड़ी वीडियो आ जिहड़ी औरत दी जिहड़ी वायरल हो रही है वह तुसीं वीडियो नूं ध्यान नाल वेखो। वह औरत दे वल्लों पहलां अपनी जिहड़ी साथी औरतां ने जिन्हां नूं बड़े आराम दे नाल पुलिस मुलाजम गड्डी बस विच बिठा रहे ने वह आप ही पिछों उहनूं गले तों फड़ के उस बीबी नूं अपनी साथी बीबी नूं पिछों खिंचदी है तो वह बीबी फिर नीचे जमीन ते डिग पैंदी है। उस तो बाद इस औरत ने साडे एक पुलिस कर्मचारी नूं गालां कढ़ियां, गालां कढ़ रही सी ते उहनां दे वल्लों उस वल्लों उस उपर हाथ चुकन की जिहड़ी आ कोशिश की गई, वह भी वीडियो दे विच है। ते अगों कर्मचारी दे वल्लों अपने बचाव विच ते उस वल्लों भी तलखी दे विच उसने उस औरत दे उत्ते जिहड़ा हाथ चुकिया। ये सारे इस इंसीडेंट के उपर जिहड़ा कर्मचारी दा इंसीडेंट होया है इसनों असी संगीनता नाल लिया। इस कर्मचारी नूं फिलहाल लाइन हाजिर कर दिता तो इस दी जिहड़ी आ मामले की जांच जी वक्रे तौर पर की जा रही है। पटियाला के इतिहासिक गुरद्वारा श्री दुखरवान साहब में शराब पी के बेअदबी करने वाली महिला परमिंदर कौर के गोली मारन वाले निर्मलजीत सिंह सैणी के परिवार का कौमी इंसाफ मोर्चे और पटियाला दी सिख संगत खालसा शताब्दी कमेटी के एक वफद वालों सन्मान किया गया और सिरोपाओ भेट की गई। इस मौके परिवारिक मैंबर ने कहा कि निर्मलजीत सिंह ने पंथक रवायतों मुताबिक गुरद्वारा साहब में बेअदबी करने वाली महिला को सौदा लगाया। इस मौके जथेबंदी के आगुओं के वकील ने कहा कि सिख कौम निर्मलजीत सिंह दे परिवार नाल खड़ी है। बहुत बहुत मुबारक सारियां नूं, सारी कौम का सिख सिर उच्चा किया। मेरे बेटे ने सौदा ला के मिंटो मिंटी कम नबेड़िया। हुण असीं हाथ जोड़ के बेनती करते हैं भी साडे परिवार वालों किसी नूं संस्था नूं कोई दान पत्र ना दिता जाए। साडा प्यार दी लोड़ आ, पैसे दी लोड़ नहीं, प्यार दी लोड़ आ। साडे नाल खड़ो, सानूं हौसला दो, आगे प्यार दो, बस यही असीं चाहुंदे आ। साडा बेटा भी यही चाहुंदा, बेटा भी यही सानूं कह रहा भी पिता जी इहो जिहा कोई कम नहीं करना जिहड़ा कौम दा सिर नीवा होवे। गुरु साहब जी दी कृपा सदका जिवें गुरु साहब जी ने करवाया जो सब भला जी,
ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਟਵਾਉਣ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਟਵਾ ਤਾ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੌਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਮ ਲਈ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲਾਅ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ, ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਖੂਬੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਔਰਤ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ 3-4 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲ ਉਹ ਭੱਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3-4 ਹੋਰ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹ SGPC ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ SGPC ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਤੁਹਾਡੀ SGPC ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਹਿਰਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡਾ ਖੇਤ। ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਓ ਪਹੁਲ ਖੰਡਾ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੇਦਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 295 ਇਹ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, 295 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ PVC ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।